फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अब सॉक्स का थर्ड पार्ट बनाएंगे, जो कि ये वाला होगा, ये हील के बाद का और पंजे से पहले का। तो देखिए, नेक्स्ट रो बनने से पहले ये हमने हर काले फंदे के बीच में तीन रेड कलर के फंदे हैं, तो क्या करेंगे कि जब हम ये रो बनाएंगे तो अब ये जो हैं काले फंदे, देखिए इनके बीच में तीन फंदे हैं, तो बीच के फंदे में हम अब इस बार काले रंग से बनाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, तो जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट तीन फंदे काले मिल रहे हैं, तो हम इसमें से पहला फंदा रेड का बुनेंगे, बीच का फंदा ब्लैक से बुनेंगे, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। देखिए, ये हमने बना लिया और ये रेड कलर ब्लैक कलर बना देंगे। देखिए, एक फिर से हम यहाँ पे ये रेड कलर से तीन फंदे बनाएंगे। देखिए, एक दो तीन। अब हमें यहाँ पे फिर एक रेड कलर से बनाना है, क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है ये वाला फंदा। तो देखिए, ये इस तरह से, और फिर तीन रेड, एक काला तीन रेड करते हुए जाएंगे, और इस तरह से हम ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने पूरी रो ये तैयार कर ली। अब क्या करेंगे कि अब हमें पांच रो फिर से सीधी बनानी है, रेड वाली पूरी पांच रो सीधी बना लेंगे, फिर हम फिर से एक काला और तीन लाल वाले फंदे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने छह रो और बना ली हैं, तो इसके बाद में हमें ये तीन रो व्हाइट कलर से बना के और नौ रो ग्रीन कलर अटैच करके बनाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर धागे अटैच करके बनाया था, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इतना बना लेते हैं, तीन लाइनें ये और नौ लाइन ग्रीन वाली। यहाँ पर हमारा अब थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो अगर आपको ये पसंद आया हो और आप मेरे चैनल में नए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। Thank you.